अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हर गुजरते दिन के साथ नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। आज़ादी का तसव्वुर कोई भारतीय मुसलमानों से पूछे, आरएसएस के लोग मुसलमानों को दुकान और मकान नहीं खरीदने देते। लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ खास तौर पर इस मोदी सरकार में अभी तस्करा हुआ कि उन्होंने आइन को बाला दस रखा है, ठीक है रखा है, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की, ठीक बहुत अच्छा किया, लेकिन जो माइंडसेट है ना, ब्राह्मण माइंडसेट, वो तब्दील नहीं हुआ है। आज भी वहाँ पर अगर लोग किसी भी दिल्ली जैसे शहर में भी आकर अगर कोई जायदाद खरीदना चाहते हैं तो जो आरएसएस के लोग हैं बाकायदा वो रुकावटें डालते हैं इस बात में कि किसी मुसलमान को ना दुकान खरीदनी चाहिए ना मकान खरीदना चाहिए। इतनी मुश्किलात पैदा होती चली गई हैं पाकिस्तान में। इस वक्त जो 1973 का आइन है, बहरहाल जिस मेहनत शाक्ता के बाद ये वजूद में आया है और उस पर सबका इत्तेफाक हुआ, ये 26वीं आइनी तरमीम, ये तरमीम है कि अब अदलिया भी हमारी मर्ज़ी की होनी चाहिए, जज भी हमारी मर्ज़ी का होना चाहिए, और किस तरह से इंसाफ फराहम किया जाएगा तो हम तय करेंगे इंसाफ क्या है और क्या नहीं है। जिस बुनियाद पर यह मुल्क हमने बनाया था उस बुनियाद को कायम नहीं रखा गया। अदल और इंसाफ का निज़ाम इस्लाम का निज़ाम है।